देखिए ये है हस्बैंड जी का नया वाला ऑफिस और यही होकर के हम जा रहे थे, तो सोचे आप लोगों को दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग, और देखिए यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। तो आज है माता जी का चौथा पूजा और आज हम जाने वाले हैं डॉक्टर के पास। तो अभी थोड़ी देर में हस्बैंड जी बाहर से आते हैं, तो मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ, नाश्ता भी रेडी करती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो मैं क्यों जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो वो पहले मैं दिखा लेती हूँ, उसके बाद आती हूँ तो आप लोगों को बताऊँगी कि क्या बात है कि मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और इससे पहले भी गई थी, आप लोग अगर मेरा पहले से ब्लॉग देखते हैं तो पता होगा। तो अब थोड़ी आधा घंटा में हम यहाँ से निकलेंगे, और आज थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गया तो सारा चीज़, लेकिन जल्दी हो गया है। हस्बैंड जी बस बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, रेडी हो गए हैं हस्बैंड जी भी, तो हम दोनों निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए ये है हस्बैंड जी का नया वाला ऑफिस और यही होकर के हम जा रहे थे, तो सोचे आप लोगों को दिखा देते हैं। तो हस्बैंड जी का जो ज्वाइनिंग हुआ है इसी ऑफिस में हुआ है, तब यही काम करते हैं। तो आज लेकिन वो मुझे लेकर के जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो अभी हम लोग ऑटो लेंगे उसके बाद जाएंगे। हम अभी आ गए थे हॉस्पिटल और डॉक्टर से तो अभी मिलना नहीं हुआ, क्योंकि हम अपना नंबर लगवा दिए हैं और शाम में 5 बजे का टाइम है, तो 5 बजे डॉक्टर देखेगी हमको। तो अभी तो मैं भूखे आई थी क्योंकि टेस्ट भी करवाना था, तो टेस्ट तो अब कल होगा क्योंकि अब शाम तक 5 बजे तक भूखे रह नहीं सकते। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ अभी जा करके बाहर, नाश्ता कुछ देखते हैं, उसके बाद हम जाएँगे दी के रूम पर। तो नाश्ता करने के बाद दी के यहाँ से बगल में ही दी का रूम है, तो यहाँ रुक जाते हैं रात में और फिर कल हम टेस्ट सब करवा के फिर अपने रूम पर चले जाएँगे। भी अंदर ही है, वो आते हैं फिर हम दोनों यहाँ से निकलते हैं। तो बस थोड़ा देर लगेगा दी के रूम पे जाने में, वहीं चलते हैं अभी। फाइनली हम पहुँच गए हैं दी के रूम पे, तो दी तो अभी ड्यूटी गई होगी, बेबी होगी रूम पे। देखिए हम पहुँच गए हैं यहाँ बेबी के रूम पे, दी है नहीं अभी, और ये रही बेबी, और ये न्यू ड्रेस अभी आया ही जस्ट, और मैं सबसे पहले ट्राई कर ली इसको। मैं भी ड्रेस चेंज ही कर रही थी तब तक, अभी नया ड्रेस आया था मीशो से, तो सोची मैं ही ट्राई करके देख लेती हूँ। तो पहले मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। बाय। देखिए मैं इससे झूठ बोल के छुप गई थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ओ चप्पल देख के पहचान गई, तो इसका इसको पता नहीं था कि हम आ गए हैं। हम झूठ बोले थे कि हम चले गए अपने रूम, लेकिन हम आ गए। यहाँ हम हो गए फिर से रेडी और जा रहे हैं बाहर, और डॉक्टर के पास भी जाना है। देखिए इसको इतना छोटा बिंदी लगा रही है कि 2 घंटा लगेगा इस बिंदी को ही लगाने में। हो गई रेडी और मैं भी हो गई रेडी, दी हमारी सो रही है, नहीं दिखाएंगे। हाय, तो छुप रही है हमारी दी, चुपके से देख ये, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुई है। और हम दोनों अब जा रहे हैं। तो अभी बैठ गए हम ऑटो में और मेरे साथ है बेबी जी। बाढ़ हो रही है, बारिश तो थोड़ा सा हो रहा है, बारिश हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा ना होने लगे, नहीं तो बाहर निकलते ही हम लोग तो भीग जाएंगे। आ गए हैं हम फिर से डॉक्टर के पास और शाम भी हो गया है, तो अभी तो डॉक्टर आई नहीं है, 6 बजे के बाद आएगी, तब तक हम इंतज़ार करते हैं यहाँ बैठ करके और ठंडा पी लेते हैं तब तक। तो ये हम अंदर जाने वाले हैं, ये पी रही है अपना वाला थम्स अप, दिखाइए अब अपना। और मैं पी रही हूँ माजा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है उतना, मैं माजा पी रही हूँ, हम दोनों अपना अपना। और ये देखिए जहाँ हम आए थे दिखाने के लिए, वहीं पे ये प्यारा सा डॉगी था, और ये डॉगी हमारे पास ही था, यहाँ पर आके बांध दिया था क्योंकि ये यहाँ से जा ही नहीं रहा था। और कितना क्यूट सा है, मैं देखी तो मैं सोची मेरे पास भी एक होता, और हमें डर भी लग रहा था इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोल रहे थे। फाइनली हम आ गए रूम डॉक्टर के पास से, और आज का तो काम हो गया है, डॉक्टर से मिल लिए, टेस्ट सब
नहीं करवाए हैं वो कल करवाएंगे, बाकी चेकअप सब हो गया है। तो देखिए मैं आई डॉक्टर के पास से, तो वो रिपोर्ट देख रही है दी डॉक्टर क्या सब लिखी है, और ये अपना बैठ के पढ़ाई कर रही थी क्योंकि अगले मंथ है इनका एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और इसमें कुछ मेडिसिन भी लिखा है जो कि हम कल लेंगे। तो अभी 9 बजने वाला है, अब जाके मैं हुई फ्री, और हस्बैंड जी भी आ रहे हैं रूम पे थोड़ी देर में, तो उनका ऑफिस था तो अब भी जाके वो फ्री हुए हैं। तब तक मैं और बेबी जाके सारा चीज़ डॉक्टर वाला काम से करवा लिए हैं, उनको काफ़ी लेट हो गया है, तो थोड़ी देर में यहीं वो आ रहे हैं। तो कल हम टेस्ट सब करवा करके फिर जाएंगे अपने रूम, और परसों फिर घर भी निकलना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग बताइएगा। तो मैं बताने वाली थी क्यों जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, तो ये मैं आज नहीं बताऊंगी, तो 2 को है मेरा बर्थडे तो उसी दिन बताऊंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, गुड नाइट।